नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो दिखाई थी आपको स्पार्टन SBM52V यानी 52V की पावर डायग्राम की दिखाई थी, और उसका कंट्रोल डायग्राम अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये इसलिए स्पेशल है थोड़ा क्योंकि इसमें PLC यूज हुई है, और PLC में दो टाइप की सप्लाई यूज हुई है। एक तो DC 24 वोल्ट DC और एक 24 वोल्ट AC। तो 24 वोल्ट DC जो हमें PLC ऑपरेट करने में, और बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है कंट्रोल का, उसको जो है ना ऑपरेट करने में। और इसमें 24 वोल्ट AC जो है वो हमें कॉन्टेक्टर की क्वेल को ऑपरेट करने में यूज हुई है। तो इसको हम बिल्कुल गहराई से समझाने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये काम एकदम से ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी बूटी है हमने आपको दे दी और आपको आ गया, ऐसा नहीं है। ये काम करते करते ही, बहुत मेहनत करने के बाद ही आपसे आ पाएगा। हम सिर्फ आपको ड्रॉइंग के बारे में समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आओ इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये सारा डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में आपको एक बार इकट्ठे ही समझाने की कोशिश करेंगे। ये कंट्रोल डायग्राम है SBM52V मॉडल नंबर का स्पार्टन की। तो दोस्तों, इसमें जो है ना PLC लगी हुई है, और PLC के प्रोग्राम में हम आपको बता देते हैं कि PLC के ऊपर के जो हम ये सेक्शन ऊपर का जो हम दिखाएंगे आपको, जो 18 नंबर तक इसमें लिखा रहेगा, यहाँ पर कमांड दी जाती है, यानी कोई ऑर्डर दिया जाता है, और जो नीचे का हिस्सा इसका रहता है वो ऑर्डर को फॉलो करता है और वो काम को प्रोसेस में लाता है। तो ऊपर इसका 24 वोल्ट डीसी है जो कमांड देने के लिए यूज किया जाता है, और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लिमिट स्विच हो, इमरजेंसी हो, पुश बटन हो, सारे में वो 18 नंबर तक ये सारी कमांड 24 वोल्ट डीसी की रहती है। वहाँ से ये समझो PLC एक ऑफिस है जिसमें कमांड ऊपर से दिए जाते हैं, ऑर्डर ऊपर से पास होते हैं, जो ये L प्लस M और 11 से 18 तक के जो नंबर है यहाँ पे जितने कनेक्शन रहते हैं वो ऑर्डर देने के लिए है, और उसका ऑर्डर को पालन करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए ऑर्डर को यू उसके नीचे का हिस्सा रहता है, और नीचे का हिस्सा उसको काम को प्रोग्रेस में लाता है जो ऊपर से कमांड मिलती है, जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है। ये काम PLC का रहता है। तो इसको हम अच्छे से बना के एक बार में फिर आपको इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। आप इसको समझने की कोशिश करना, कहीं कहीं बार रिपीट करके अपने आप से ही, और ड्राइंग हो सके तो अरेंज करना, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसमें यह भी ध्यान रखना, जो खुले कनेक्शन है वो NO है, और जो बंद कनेक्शन है वो NC है। तो ये चीज़ सबसे पहले, NO NC की अगर आपको पहचान नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और आप इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो PLC के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ऊपर का जितना भी अभी हम जो ये हिस्सा बना रहे हैं ये सारा एक कमांड ऑफिस है, यानी कि इसका जो है ना वो सेक्शन है ये जहाँ से ऑर्डर दिया जाता है, और नीचे का जो हिस्सा है जहाँ पे आपके Q1, Q2, Q3 और Q4 जो हैं ये कनेक्शन है, ये ऑर्डर को फॉलो करने के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ से हम Q1 के ही स्टार्टिंग में जो सप्लाई 24 वोल्ट AC दिया जाता है, क्योंकि 24 वोल्ट AC से कॉन्टैक्टर की क्वेल ऑपरेट होगी और तब जाके कॉन्टैक्टर काम करेंगे। तो इसलिए नीचे 24 वोल्ट AC का प्रोग्राम रहता है। तो ये 24 वोल्ट AC आप ध्यान रखें कि इसका कंट्रोल सिस्टम है कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए, यानी ऑर्डर का पालन करने के लिए। और ऊपर में जो 24 वोल्ट DC है इसमें जो इमरजेंसी से, लिमिट स्विच से, फिर ये पुश बटन से, इन सब से होता हुआ, और एक चीज़ और है इसमें VPR वोल्टेज प्रोटेक्टर रिले, इसके NO से होता हुआ, क्योंकि थ्री फेज VPR में बिल्कुल सही जाएंगे तभी जाके वो प्रॉपर काम करेगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम इसका रहता है। तो नीचे का आप ध्यान रखें, एक बार और हम बता देते हैं, नीचे का 24 वोल्ट AC काम करता है और ऊपर का 24 वोल्ट DC। तो इस तरह से इसका प्रोग्राम रहता है सारा। और इसके कनेक्शन के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसके कनेक्टर में कनेक्शन कैसे रहते हैं। वो इसमें ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहते हैं, इसमें ज़्यादा तार आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के जो RYB वहाँ पे UWV कुछ इस तरह का जो लिखा हुआ दिखाई देगा वो स्टार्टिंग में मोटर के कनेक्शन होते हैं, और उसके बाद में फिर आपके इमरजेंसी के, और फिर होम पोजिशन का लिमिट स्विच, उसमें भी दो तार NO के रहेंगे, और उसके बाद में फिर जो हमारा रिवर्स का लिमिट स्विच है लास्ट में उसके कनेक्शन रहते हैं। बस इतने ही कनेक्शन इसमें दिए रहते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसमें ये जो अभी हमने लास्ट में बनाया है ये इसके कनेक्शन, जो कनेक्टर होते हैं नीचे लगे हुए कनेक्शन के,
वो हैं, इसका मेन सप्लाई डायरेक्ट एमसीबी में आ जाती है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि ट्रांसफार्मर से जो निकलते हैं वो 24 वोल्ट एसी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और कन्वर्टर के थ्रू एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 24 वोल्ट एसी और डीसी दोनों हमें ज़रूरत पड़ती है। ऊपर का जो हिस्सा रहता है पीएलसी का वो डीसी का रहता है, और नीचे का जो हिस्सा रहता है वो एसी का रहता है। तो नीचे 24 वोल्ट एसी से कॉन्टैक्टर ऑपरेट कराए जाते हैं और ऊपर की तरफ से पीएलसी से कमांड दी जाती है। तो इस तरह से अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसमें क्या लगा हुआ है। दोस्तों तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वीडियो के लिए। तो दोस्तों हमने आपको ये कंट्रोल डायग्राम बना के दिखाया, अब इसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि कौन सा क्या है। हमारा मतलब है सिर्फ आपको डायग्राम समझाना, बाकी आप जब इसको इसका काम करोगे खुद तो बाकी का काम आप खुद समझ जाओगे। जैसे जैसे जब तक आपका इससे पला नहीं पड़ेगा तब तक आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमसे जितनी मदद हो सकेगी दोस्तों हम उतनी करने की कोशिश करेंगे। ये कंट्रोल डायग्राम है SBM52V जो मॉडल नंबर है स्पार्टन मशीन का, बेंडिंग मशीन का ये उसका है। तो इसमें दो टाइप की सप्लाई यहाँ पे यूज हो रही है, एक तो 24 वोल्ट डीसी जो कन्वर्टर के थ्रू 24 वोल्ट डीसी आती है, तो वो यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो एल प्लस में चला जाता है, और जो 0 वोल्ट यानी माइनस है वो एम में चला जाता है। उसके बाद में हम पॉजिटिव से जो 24 वोल्ट हमारा डीसी है वो इमरजेंसी के थ्रू होता हुआ, इमरजेंसी एनसी स्विच होता है तो इसलिए यहाँ पे एनसी का है, और यहाँ पे इमरजेंसी 2 क्योंकि दो इमरजेंसी लगे हुए होते हैं तो दोनों इमरजेंसी के एनसी से होता हुआ। फिर ये वीपीआर वोल्टेज प्रोटेक्ट रिले जो लगा रहता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट रिले लगा रहता है, ये दोनों कंडीशन में काम करता है दोस्तों। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट रिले जो है ना ओवर वोल्टेज में भी करता है, यानी हाई में भी काम करता है लो में भी काम करता है, इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का होता है, आप इस तरह से देख सकते हो उसे। तो यहाँ पे ये इसके एनओ से होता हुआ ये 11 नंबर पे पीएलसी है, ये हमने जो बनाई है पीएलसी है। तो इसको हम दोबारा से भी आपको लिख के दिखा सकते हैं यहाँ पे अगर सही समझ में नहीं आ रहा हो। तो ये पीएलसी है दोस्तों, इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं। तो ये पीएलसी है, यहां पे फिर इसके दूसरे नंबर पे पॉइंट पर हम चलते हैं। 11 नंबर का हमने आपको बताया कि ये वीपीआर के एनओ से होता हुआ यहां पे आता है। तो वीपीआर जब ऑपरेट होगा यानी सप्लाई सारी सही होगी, क्योंकि इसमें थ्री फेज सप्लाई भी आती है, ये तो कंट्रोल सिस्टम के लिए इसमें से एक स्विच के थ्रू हमने समझो यहाँ से एक सप्लाई ले ली जाती है इसके कंट्रोल डायग्राम के लिए, वरना तो ये प्रोग्राम तो थ्री फेज सप्लाई पे करता है कि थ्री फेज सप्लाई अगर इसको प्रॉपर मिलेगी तभी ये काम करेगा और ये एनओ ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद में जब ये ऑपरेट होगा तो यहाँ से हमें सप्लाई ले लेनी है, और यहाँ पर हमें फिर फुट स्विच के एनओ से जो हमारा पैर से दबाने वाला पैडल है फुट स्विच है उसके एनओ, वो एनओ स्विच होता है क्योंकि, तो उसमें से होता हुआ ये फिर संपर्क हो जाएगा 12 नंबर पे पीएलसी के, और फिर इसके बाद में यही सप्लाई हमें दूर तक ले जानी है, और इसी में से ही सारे पॉइंट यहाँ पे देते चले आना है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमने इसमें स्विच लगाया है जो वो अलग अलग एंगल का जो सेलेक्ट करने का स्विच उसमें होता है कि हम इसको कितनी डिग्री पे सरिये को मोड़ेंगे, तो वो स्विच यही होता है कि हम किस तरफ उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये वो स्विच होता है। अब यहाँ पे 13 नंबर 14 नंबर ये सिलेक्टर स्विच के हो गए कि आप कितने एंगल पे सरिये को मोड़ोगे। उसके बाद में ये फॉरवर्ड पुश बटन आ गया है जो हाथ से प्रेस करने का होता है, और ये फॉरवर्ड चलेगी यानी आगे चलेगी, सीधी चलेगी, आप किस कुछ भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, चाहे तो फॉरवर्ड कह सकते हो या सीधा चलना कह सकते हो, आगे चलना कह सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो मशीन चलेगी वो फॉरवर्ड चलेगी, तो वो पुश बटन है ये, और ये एनओ है इसका, यहाँ पे भी हम एनओ लिख देते हैं क्योंकि ये एनओ पुश बटन है। तो ये एनओ कॉन्टैक्ट है, ये 15 नंबर पे लग जाएगा। उसके बाद में फिर यही सप्लाई जो वीपीआर के बाद में से आई हुई है, वीपीआर के थ्रू आई हुई है, तो ये यहाँ पे पुश बटन हो जाएगा रिवर्स का, रिवर्स का पुश बटन पीएलसी के 16 नंबर में चला जाएगा। इसके बाद में ये भी एनओ है क्योंकि आपको इसके सिंबल भी ध्यान रखने चाहिए, ये भी एनओ है पुश बटन, तो ये एनओ पुश बटन के थ्रू 16 नंबर पे चला गया पीएलसी के। और फिर यहाँ पे ये लिमिट स्विच जो है, ये एचपी जो हमने लिखा है, ये होम पोजीशन है जहाँ पे मशीन आके रुक जाती है, ये वो है।
तो ये लिमिट स्विच होम पोजीशन है और ये भी इसका भी एनओ है, ये जितने भी खुले हुए हैं ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ये सब एनओ है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये एनओ है, उसके बाद में ये होम पोजीशन का 17 नंबर पे हो जाएगा और जो हमारा रिवर्स का जहाँ से टकरा के मशीन वापस आती है यहाँ ये भी 18 नंबर पे लग जाएगा एनओ में होता हुआ। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि इन लिमिट स्विच में क्या फ़र्क है। पहले जो मशीन में हम समझाते थे तो उसमें चार चार वायर यूज़ होते थे, लेकिन यहाँ पे इसके एनसी कॉन्टैक्ट को यूज़ नहीं किया गया है, दोनों लिमिट स्विच में से किसी का भी एनसी कॉन्टैक्ट नहीं यूज हुआ है। इसमें होम पोजिशन का भी सिर्फ एनओ यूज हुआ है और जो रिवर्स का लिमिट स्विच है उसका भी सिर्फ एनओ यूज हुआ है, यानी दो दो तार ही दोनों लिमिट स्विच में जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं फिर इसमें, तो इसमें जो ये चार पेयर है यहाँ पे Q1 Q2 Q3, तो ये भी Q है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये भी Q लिखा हुआ है यहाँ पे ड्राइंग में, तो ये Q3 है और ये Q4 है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 24 वोल्ट AC जाएगा जो कॉन्टैक्टर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर की जो ऑपरेटिंग क्वेल है हमारे पास जो तीन कॉन्टैक्टर हैं उनकी जो ऑपरेटिंग क्वेल है वो 24 वोल्ट AC की है, तो यहाँ से AC जाएगा कॉन्टैक्टर के लिए। तो इस 24 वोल्ट AC में हम देख लेते हैं कि एक जो डायरेक्ट जाएगा वो इसके Q3 के 1 पे और Q4 के 1 पे चला गया, तो ये ब्रेक के लिए चला गया और इंडिकेटर के लिए चला गया, और इसमें यहाँ से फिर ये कॉन्टैक्टर 3 के NC से होता हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग हो रही है आप इसे देख सकते हैं, कॉन्टैक्टर 3 के NC से होता हुआ, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्टर 3 बंद है तब तक ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो ए यहाँ से 2 नंबर से फिर ये चला गया, क्योंकि एक नंबर में यहाँ सप्लाई दे दी, तो जब ये पेयर हुआ यहाँ इसके साथ में तो उस टाइम पे 2 नंबर से सप्लाई होती हुई कॉन्टैक्टर 2 के, अब दूसरी इंटरलॉकिंग शुरू हो गई है। एक तो इंटरलॉकिंग यहाँ पे है, ये ब्रेक के कॉन्टैक्टर के साथ में इंटरलॉकिंग है, दूसरी इंटरलॉकिंग यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि कॉन्टैक्टर 2 रिवर्स का है तो इसके NC से होती हुई सप्लाई कॉन्टैक्टर 1 जो कि फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है उसके A1 में चली गई है, और A2 में हमने 0 वोल्ट पहले से ही दिखा रखी है। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर चला गया, उसके बाद में जब लिमिट स्विच में टकराएगा जाके वहाँ से जब ये पेयर यहाँ पे बंद हो जाएगा ये चालू हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जब लिमिट स्विच से टकरा के आएगा तो ये पेयर बंद होने के बाद में ये पेयर शुरू हो जाएगा। तो ये एक नंबर इस 2 नंबर में से होता हुआ कॉन्टैक्टर 1, क्योंकि कॉन्टैक्टर 1 फॉरवर्ड का है, फॉरवर्ड बंद हो चुका है, तो इसलिए यहाँ से ये NC से ये पार हो चुका है। ये सब जितने भी हैं ये सब NC है, जितने भी बंद कॉन्टैक्ट हैं ये सब NC है, ये आप ध्यान रखें। तो इसके कॉन्टैक्टर 1 यानी फॉरवर्ड के NC से होता है, इसके कॉन्टैक्टर 2 के A1 में जाएगा यानी ऑपरेटिंग क्वेल में जाएगा और ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्टर है रिवर्स का, यानी जहाँ से मशीन वापस आती है टकरा के, तो ये वापस चलने का कॉन्टैक्टर है। अब इसके बाद में फिर जब इसका भी प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो जब इनमें से कोई सा भी बंद होता है तो उस कंडीशन में ये ऑपरेट होता है। तो इसमें टाइमर का काम भी सिर्फ ये PLC ही कर देती है कि जितने टाइम तक आधा सेकंड तक या 0.8 सेकंड तक जितना भी प्रोग्राम इसमें रहता है वो सब ये खुद ही कर देती है। तो इसमें यहाँ से 2 नंबर से फिर ये आ जाएगा सप्लाई यहाँ पे C2 और C1 के NC से होती हुई, और तब जाके ये कॉन्टैक्टर 3 के A1 में आ जाएगी, और इस तरह से ब्रेक का कॉन्टैक्टर C3 ऑपरेट हो जाएगा। और इसमें Q4 का जो 2 नंबर है वहाँ से हमें ये इंडिकेटर इसका मिल जाता है जो सिस्टम रेडी का हमें सिग्नल देता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसके कनेक्शंस किस तरह से दिए रहते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हैं उसमें आपके मोटर के कनेक्शन रहते हैं, उसके जस्ट बाद में ये जो ग्राउंड है ये अर्थिंग का रहता है, जो मोटर तक हमें अर्थिंग पहुँचानी होती है वो इस ग्राउंड के थ्रू पहुँचानी होती है, और उसके बाद में 4 और 5 नंबर ये हमारे इमरजेंसी स्विच के लिए यूज होते हैं। और इसमें हमने आपको जैसे बताया कि लिमिट स्विच चाहे होम पोजीशन का हो चाहे रिवर्स का हो उसमें 2-2 ही तार यूज हुए हैं, तो 6 और 7 नंबर में होम पोजीशन का लिमिट स्विच के कनेक्शन आ जाएंगे कनेक्टर में, और 8 और 9 में रिवर्स के लिमिट स्विच के कनेक्शन आ जाएंगे। तो इसका प्रोसेस ये सारा हमने आपको बता दिया, हमारा मकसद सिर्फ आपको ड्रॉइंग के बारे में समझाना है,
बाकी आप जब काम करोगे तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।